नमस्कार, स्पिरिट टॉप हेडलाइंस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। प्रचंड शीत लहर के बीच कश्मीर घाटी में सोमवार से मौसम का मिजाज फिर बिगड़ने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक घाटी में 30 दिसंबर और जम्मू में 31 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 4 जनवरी तक जारी रह सकता है। इससे मैदानी क्षेत्रों के लोग एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में आ जाएंगे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले कानून व्यवस्था के लिए तैनात अर्धसैनिक बलों की 50 और कंपनियां रविवार को कश्मीर घाटी से वापस भेज दी गई है। इन्हें जम्मू, सांबा, कठुआ तथा अन्य स्थानों पर ठहराया गया है। इन कंपनियों को अब वहीं वापस तैनात किया जाएगा। यहां से हटाकर इन्हें जम्मू कश्मीर लाया गया था। बता दें कि एक कंपनी में 100 जवान होते हैं। इस तरह 5,200 जवानों की घाटी से वापसी हो गई है। CAA को लेकर देश के कई हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक कैंपेन लॉन्च किया है। इंडिया सपोर्ट्स CAA हैशटैग का प्रयोग करते हुए PM मोदी ने लोगों से इस अभियान का समर्थन करने की अपील की है। PM ने ट्वीट किया है कि भारत नागरिकता कानून का समर्थन करता है, क्योंकि नागरिकता कानून सताए गए शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है और न ही किसी की नागरिकता लेने के बारे में है। महाराष्ट्र में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। महाविकास अघाड़ी की सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में तीनों ही दलों से कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें कांग्रेस के कोटे से 10 और NCP के कोटे से 13 और शिवसेना के कोटे से 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसी खबर है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 33 नॉन ग्रेजुएट पोस्टों के लिए देश भर से आवेदन मंगाए हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के बाद जॉब के लिए पहला नोटिस है। ऐसा पहली बार है जब कश्मीर घाटी में सरकारी जॉब के लिए योग्यता कश्मीर और लद्दाख के स्थायी निवासियों तक सीमित नहीं है। बता दें कि इस साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने दोनों अनुच्छेदों को खत्म कर दिया था। हाईकोर्ट की ओर से जारी विज्ञापन में स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट और ड्राइवर की नौकरी शामिल है। कोई भी आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है। आरक्षित पदों के लिए चुनाव जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005 के तहत होगा, जिसमें कहा गया है कि उपलब्ध नौकरियां स्थायी निवासियों के पक्ष में होगी। भारतीय नौसेना ने नौसैनिक द्वारा सोशल मीडिया साइट फेसबुक के इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। इस आदेश के बाद अब कोई भी जवान फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, नौसेना के ठिकानों पर अब स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लग गई है। बताया जा रहा है कि नौसेना के 7 कर्मियों की जानकारी लीक होने के बाद ये फैसला लिया गया है। नौसेना ने सोशल मीडिया से कर्मियों को दूर रहने को कहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए स्पिरिट न्यूज़।